दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। इस मॉडल में दोस्तों आपको 3 बेडरूम, 2 लेट बाथ, 1 किचन, बारंदा और कार पार्किंग का बेहतरीन सा स्पेस मिलता है। इसी मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी आप प्रॉपर तरीके से वॉच करते रहें अगर आप एक बेहतरीन घर का डिजाइन चाह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस घर का कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसमें मटेरियल कितना लगेगा, इन सभी के लिए हमने दोस्तों एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का नाम भी स्मॉल हाउस प्लान है और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर डाउनलोड करें, आपको A to Z जानकारी वहां पर मिल जाएगी। मैंने एक वेबसाइट भी दोस्तों लॉन्च की है, उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था ये मॉडल होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ऐसा घर बनवाइएगा जिसमें आपको कार पार्किंग मिलेगी, बारंदा देखने को मिलेगा, साथ साथ रहने के लिए बेहतरीन बेडरूम्स वगैरह क्रिएट की है। तो इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपने देखा होगा तो इसमें दोस्तों दो साइड रोड है, एक तो आपका सामने से रोड है और इधर एक आपका साइड से भी रोड है, इसीलिए इधर से मैंने डोर दिया है। हालांकि ये हमारे एक पेड सर्विस यूजर थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया है। तो ये पूरा प्लान दोस्तों होने वाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप एक गुमटी का डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको घर का डिजाइन भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसके मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट से आपका घर ऐसा दिखेगा, साइड से आप कैसा दिखेगा, और दोस्तों बैक साइड और एक तरफ साइड में आपका क्लोज्ड मकान है पूरा देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो ये आपकी स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो आपको एक बारंदा देखने को मिलेगा। इधर दोस्तों मैंने कार पार्किंग के लिए स्पेस बना रखा है, साइड से मैं दिखाऊंगा, ये आपका कार पार्किंग का स्पेस है और आगे मैंने डिजाइन देने के लिए इस गुमटी को बनाया है जो कि आपका वी शेप में बना हुआ है। और दोस्तों जो गांव में खफरेल का डिजाइन होता है उसको यहाँ पर मैंने बना दिया है जो कि ब्लू कलर के आप खफरेल देख सकते हैं। तो मेन डोर इसका ये है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, दोनों साइड विंडो है जिससे आपका वेंटिलेशन होता रहे, तो आप बारंदे में आएंगे। और इसका इस मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पर पहुंचते हैं जो कि आपको बड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है और इसी स्पेस से आपकी दोस्तों सभी जगह एंट्री हो जाती है। तो सबसे पहले फ्रंट में आके एक बेडरूम मिलता है जो कि आपको विंडो दिख रहा है, इसका जो मैंने एक्सेस दिया है इसे आप अंदर से ही आ पाएंगे। इसके बाद ये आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप टर्न होकर वापस आएंगे। तो इसके बाद दो बेडरूम आपको इधर मिलते हैं, देखिएगा दोनों बेडरूम अलग अलग डोर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों इस बेडरूम में जो बीच में इसमें मैंने अटैच लेट एंड बाथ दिया है, आप इस बेडरूम में एक्सेस कर सकते हैं। अदर एक दोस्तों कॉमन लेटरन बात दिया है और ये आपका पूरा किचन है। किचन दोस्तों बनाने का इस तरफ ये उद्देश्य था कि इधर आपका रोड है तो आप इधर आराम से एक विंडो लगवा सकते हैं और इधर रोड था तो इस वजह से मैंने यहां से आपको एक और डोर दिया। अगर आप इस वाली रोड से जाना चाहें घर में तो आप एंट्री कर पाएंगे, गैलरी नामा आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 बेडरूम, 2 लेट बाथ, किचन और बारंदा और बेहतरीन सी कार पार्किंग के साथ ये मकान पूरा बनकर रेडी होता है। तो अगर बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की दोस्तों तो 40x32 फीट में पूरा ये मकान बना हुआ है। 40 फीट इसका फ्रंट है, 32 फीट इसकी गहराई है। तो ये 3 बेडरूम के साथ बनकर रेडी होता है। बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं आप ऊपर जैसे पहुंचेंगे तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ और फ्रंट में एक ग्रिल का डिजाइन कुछ मैंने अलग सा दिया है। आप देख सकते हैं जहां पर आपका टर्न है, जहां पर आपका एल शेप दे रहा है तो वहां पर मैंने इसको इस डिजाइन में दिया, बीच में बेहतरीन से ग्रिल। और ये दोस्तों स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी बना दी है और ये उस पर छत बन गई। ओवरऑल ये मॉडल बन के रेडी होता है 40x32 फीट में जो कि आपका 1200 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता। तो लगभग अगर आप इस मकान को ग्रामीण क्षेत्र में बनवाते हैं तो दोस्तों विद फिनिशिंग तक 12 से 13 लाख रुपए बजट आने वाला है आपका। 12 से 13 लाख रुपए आप इसमें खर्च करिएगा तब आप इस मकान को बनवा पाएंगे फिनिशिंग तक। तो मैं आशा करता हूंगा कि आपको ये मॉडल पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों एक पेड सर्वे से स्टार्ट किया है, अगर आपके घर के नक्शे को बनवाना चाहते हैं, बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि वो हमारी पेड सर्वे है, आपको वहाँ पर पे करना होगा।
तो आप तभी कॉन्टेक्ट करें जब आप पे करने का बिल्कुल मूड बना लें। और अगर आपके इंक्वायरी वगैरह चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपसे आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको कोई मकान बन रहा है तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करें, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।